सलाम साहब। जख्म ज्यादा गहरे हैं क्या उसके? गहरे नहीं है साहब, लेकिन जख्म तो है। खुदा का शुक्र है किसी की दुआ लग गई। चाहे मैं उससे अपना रिश्ता खत्म कर चुका हूं, लेकिन इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि वो मेरे ही जिस्म का एक हिस्सा है। याद रखना मुरीद, मेरी बेटी का ख्याल रखना तुम्हारे अव्वलीन फ्राइज में से एक होना चाहिए। जो हुकुम साहब, मैं नौकर। हेमल, मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब सच सबकी आंखों के सामने होगा। बस डर लगता है कि कहीं बहुत देर ना होगी। हेमल, तुम्हें वो रात याद है जिस रात अस्मा गायब हुई थी? मुरीद को ही कॉल आई थी ना, और मुरीद ही उसे थाने से लाया था, और उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा था कि आप अपनी मोहब्बत बचाइए साहब, मुरीद हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। कौन सी हार, कैसा खेल, किससे जीतना चाहता है? उसने ये कहा तुझसे? एमल, मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूंगा, बस एक एहसान कर दो मुझ पर। कुछ दिन तक, बस कुछ दिन तक मुरीद पे नजर रखो। असल तुम जो कुछ भी मुरीद के बारे में कहते हो, क्या तुम्हारे पास उसका सबूत है? सबूत भी मिल जाएगा, झूठ ज्यादा देर छुपता नहीं। मैं मुरीद को बेनकाब करने में तुम्हारे साथ हूँ। एमल, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि अस्मा की जान खतरे में है। ये ना हो कि तुम लोग सबूत के इंतजार में बैठे रहो और अस्मा की जान को नुकसान पहुंचे। फिर अगर सबूत मिल भी गए तो उनका कोई फायदा नहीं होगा, और अगर और कुछ नहीं कर सकते तो उस्मा को इतना ही समझा दो कि होशियार रहे। अरे बुआ, बुआ आप ये क्या कर रही है? छोड़े ऐसे, ये आपका काम नहीं है, मुझे किचन में आपकी जरूरत है। वो मैंने ना अस्मा के लिए सूप बनाया, तो बुआ वो जाकर दे आए, लेकिन अपने नाम से दीजिएगा तो शायद कबूल कर ले। और सारा हाल अहवाल लेकर आइएगा अच्छे से, ऐसे नहीं आ जाएगा। सो क्या, मैं तो अपने बच्चे की पसंद का कीमा आलू भी पका के ले जाऊंगी। और तसल्ली रखे, मैं पूरा आले वाले लेके आऊंगी। अल्लाह, कितने दिनों के बाद अपनी बच्ची से मिलूंगी। अल्लाह, तनी मेरी बेटी ने कुछ खाया भी होगा, उसे तो चाय भी नहीं बनाई कभी। मुस्तफा भाई, आपको हजार बार मना किया है मैंने कि डायरेक्ट फोन मत किया करें। मुझे कुछ याद दिलाना था उसे। सब याद है मुझे। कितने दिन रह गए? 15, लेकिन मैं साथ ये भी कहूंगा कि ये दिन कम है, मुझे और दिन दरकार होंगे।
ये काम अगर तुझसे ना हो पाया तो 15 दिन के अंदर मैं खुद अमीन कुरैशी को खत्म कर दूंगा। ऐसी बातें फोन पर नहीं करते, 1000 बार समझाया है मैंने आपको। मुद्दे से हटता जा रहा है तू, अंदाजा हो रहा है तुझे? मेरी नजर मेरे हदफ पर है। दुनिया का कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक, वक्त कोई भी हो, मेरी नजर मेरे हदफ से नहीं हटा सकता। फोन रखता हूं। कौन है तुम्हारे हदफ अमरीत? मैं समझा नहीं। कौन नहीं बचेगा तुम्हारे हाथ में? किस हदफ की बात कर रहे थे तुम? नहीं नहीं, ऑफिस की जिम्मेदारियां संभाली हैं बेगम साहिबा। कंपनी ने एक टारगेट दिया, टारगेट को उर्दू में हदफ कहते हैं, और जो कंपनी की तरक्की के रास्ते में आएगा वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। निकाब तो है तुम्हारे चेहरे पर, इसका अंदाजा होने लगा है मुझे, पर इस निकाब के पीछे क्या हो ये देखना है। नौकर, एक नमकहलाल नौकर जो अपने फर्ज की अदायगी में मसरूफ है सारी जिंदगी रहेगा। ये जो तुम बार बार नमक हलाली की गवाही देते हो ना मुरीद, तुम भी मेरे हाथ पर हो। अस्मा, अस्मा बेटा कहाँ चली गई? अस्मा, अस्मा, बुआ आप? हाय बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर बैठे हैं आप? आंखें तरस गई थी तो मैं देखो। तुम तो जानती हो ना बेटा, मैं गरीब औरत, और गरीब दिल की बात कहने में कहाँ ताकत रखता। मैंने तुम्हें अपनी बेटियों की तरह पाला है बचपन में। रोज दिल करता था कि मैं तुमसे आगे मिलूं, लेकिन सांप का डर, सांप का ऐसा डर कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं तो कांपने लगती हूँ उनसे। लेकिन आज जब बेगम साहिबा ने मुझसे कहा ना कि तुम्हारे लिए सूप बनाकर ले जाऊं, तो मैं बहुत खुश हुई, और मैंने ना तुम्हारी पसंद का कीमा आलू में बना लिया जल्दी जल्दी, किचन में रखा है। अच्छा मैं चलती हूँ। वो अम्मी कैसी है? हाय बेटा, औलाद से दूर माँ कैसी हो सकती है? सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। मैं रोज नमाज पढ़ के ना दुआ करती हूँ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रख। हाय हाय, बड़ी भली मानिस औरत थी, गरीब थी मेरी तरह, लेकिन भला की हंसी, अल्लाह जन्नत में जगह दे। जिंदगी तो मुश्किल थी, मौत भी अपने लिए मुश्किल चुन ली। पता नहीं खुदा माफ करे या ना करे। आप कितना जानती हैं मुरीद की माँ को? पक्की सहेली थी मेरी, लेकिन आपकी जबान से तो मैंने कभी जिक्र नहीं सुना उनका। तब इजाजत नहीं थी ना? किसकी? साहब की। क्यों? अरे यही क्या हो गया, ये क्या करती ना? 18 बरस जो मैंने दिल में रखा किसी मेरी जबान पे आ गया अचानक। मुझे माफ कर दो, साफ से कुछ नहीं कहना, आपको कुछ मत बताना। मैं बैठी रहा, बैठी। आप मुझे अपनी बेटियों की तरह समझती हैं, मैंने भी आपको हमेशा अपनी माँ की तरह इज्जत दी है।
आपका नाम किसी के सामने नहीं आएगा। मुझे बताएं कि क्या हुआ था बुआ उसने। इस क्यों? ये तो मुझे नहीं पता। जितना मालूम है तो बता सकती है ना मुझे। वो छुट्टियां थी स्कूल की, बेगम साहिबा आपको और आपकी बहन को लेकर ना आपने मैं के गई नहीं थी, और सारे वो लाजिम हुआ हवेली के उस जानिब पे। वो रीत की माँ सिर्फ इस क्वार्टर में अकेली थी। वो जो बाहर कमरा बंद है ना, और वहाँ एक बूढ़ा माली रहता था, फिर उस रात के बाद ना वो कभी नहीं नजर आया। मुझे याद है, क्या नाम था उनका? नौशाद भाई, निशान बाबा। फिर क्या हुआ था? खुदकुशी से पहले ना मैंने उसकी चीखों की आवाजें सुनी, और आप तो जानती हैं मुझे हवेली से बाहर जाने की इजाजत नहीं। बाबा कहाँ थे उस वक्त? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। खुदकुशी से पहले चीखने की आवाज है। अगर बुआ ने नहीं बताया इसका मतलब है कि बाबा घर पर ही थे। तो मुझे लगने लगा है कि मेरी खोज मुरीद को सच्चा साबित कर रही है, पर अभी कोई फैसला नहीं करूंगी। क्यों मुरीद को गलत भी नहीं समझोगे जब तक इस राज से पूरी तरह पता नहीं हो जाता? ये क्या किया? ये क्या हो गया बस? ये मैंने क्या कर दिया? क्या हो गया मुझसे? नहीं पूरी हुआ जो मुंह से निकली तो निकली कैसे? अब साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरी जान को खतरा। ये मैंने क्या कर, बहुत गलत हो गया ये। क्या हुआ बुआ, कहाँ से आ रही हो? अस्मा बेटा को खाने देने गई थी, बेगम साहिबा ने कहा था ना। हाँ हाँ वो तो ठीक है, नहीं परेशान क्यों है? क्या हुआ है? क्या बताऊँ बेटा, गांव में मेरे जवान बेटे का एक्सीडेंट हो गया। जाना चाहती हूँ लेकिन बेगम साहिबा मुझे नहीं जाने देंगी। ऐसे कैसे छुट्टी नहीं देंगी, मैं बात करूंगी ना उनसे। आप जाए सामान बांधने में बात करती हूँ। अच्छा बेटा, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। Something doesn't add up. कुछ तो गड़बड़ है। आपी, तुम क्यों आई हो यहाँ? ये पूछने के लिए आई हो कैसी हूँ? खुश हूँ और जिंदा हूँ, अब चली जाओ यहाँ से। यही तो कमाल है मुरीद के झूठ की चमक का, कि वो बड़ी से बड़ी हकीकत को धुंधला देता है। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं जानती हूँ कि मुरीद ने आपकी जान लेने की कोशिश की है, हर ये बात आपने पुलिस से भी छुपाई और हम सब से भी। क्यों बचा रही हूँ उसे? क्या चाहती हूँ, तुम लोग की मर्जी का बोला हुआ झूठ बोल दो। क्या हुआ था उस रात, आग कैसे लगी थी? अब ये ना कहेगा कि आग मुरीद ने नहीं लगाई थी बल्कि वो कोई हादसा था। आग मुरीद ने नहीं लगाई। आप क्यों नहीं समझ रही? प्लीज होश करें, आपकी जान खतरे में। विमल तुम्हें क्या हो गई? आग मुरीद ने नहीं लगाई थी। अगर वो उस वक्त ना पहुंचता ना तो मैं तुम्हारे सामने यहाँ जिंदा नहीं खड़ी होती। मैं जानती हूँ कि आप ये समझती हैं कि हम सब ने आपको अबैंडन किया है, लेकिन
यकीन करें, कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरा जहां मैंने, अम्मी ने और बाबा ने आपकी फिक्र ना की होगी। अब अपने गुस्से से आगे बढ़कर सोचे ना, आपकी जान खतरे में, और सिर्फ आपकी बल्कि हमारी पूरी फैमिली को मुरीद से खतरा है। मुरीद ने आग नहीं लगाई थी, हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि आग खुद लग गई थी। देखा, हालात अभी हालात ही तो पैदा करता है वो, और जब उसका मकसद पूरा होता है तो सारा कसूर अपने हालात पे डाल देता है। मुझे और अरसल को भी यही लगता है कि ये सब कुछ मुरीद ने किया है, उसने हालात ही ऐसे बना दिए थे। उसने अपना असर सबसे छुपाए रखा है, असल में वो कुछ और है। चली जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे तुमसे मजीद और कोई बात नहीं करती, जाओ यहाँ से। आप ही, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है। यकीन? जब मैं अस्पताल में थी मुझे देखने के लिए तो तुम लोग नहीं आए वहां पर, अब तुम सबको मेरी बहुत फिक्र हो रही है, चली जाओ यहाँ से। मैं जीऊं या मरूं इससे तुम लोगों का कोई गर्ज नहीं है, जाओ। मोहब्बत करती थी मैं मुरीद से, क्या आई कैंट बिलीव कि आई एम टेलिंग यू लाइक दिस, बट हाँ, मैं मुरीद से मोहब्बत करती थी। उसने नहीं बताया। होश में तो वो है, होश में हो तभी तो मैं बता रही हूँ कि मैं मुरीद से मोहब्बत करती थी। ये वही मोहब्बत है जिसे मुरीद के बनाए हुए हालात ने पैदा की, और वो भी तुमसे मोहब्बत करता था। उसके बनाए हुए हालात में तो मुझे ये लगता था कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, मगर वो क्या जाने मोहब्बत क्या होती। 5 साल, 5 साल तक उसने मुझे उन हालात में उलझाए रखा, और जब इकरार का वक्त आया वो साफ मुकर गया। झूठा है वो, उसकी हर बात झूठी है, उसकी मोहब्बत भी। हम प्लीज उसकी किसी बात पर यकीन नहीं कीजिएगा, चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मत, उसने आज तक आपसे जो कुछ कहा वो सब झूठ है, सब कुछ। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से, जाओ। बेगम साहिबा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुमने आखिरी बार मुझसे सच कब बोला था मुरीद? अब जब से इस घर में आई है ना बेगम साहिबा, ना सिर्फ मेरे सारे के सारे अल्फाज बल्कि मेरी खामोशी भी सच कहती है। एमल से मोहब्बत करते थे? अच्छा, तो एमल भी आई थी यहाँ?
तुमने एमल के साथ मोहब्बत का खेल खेला था। एक तरफा मोहब्बत में सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी खेलता है बेगम साहिबा, दूसरा इंसान सिर्फ और सिर्फ बचता है। मुरीद ने सिर्फ बचने की कोशिश की है। हाँ, उन्होंने जब भी अपनी मोहब्बत का इकरार किया मैंने बदले में ना कहा, इसी बात का गुस्सा है। झूठ, एक और झूठ। निषाद बाबा का वही जो मालिक है इस घर के, कहाँ है वो गरीब? इसी शहर में। सब सच जानते हैं तुम मुरीद? कहानी के बहुत करीब पहुंच गई है। अगर तुम अपने झूठ को कहानी कहते हो तो हाँ, उसके सर पे खड़ी हुई। क्या चाहती हैं? सारा का सारा सच माली बाबा के मुंह से सुनना चाहती है। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, उन्हें जाके ले आता हूँ, उनसे सुन लीजिए। मुरीद, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? रास्ते में सारी अपनी मर्जी की कहानी सुनाते हुए नहीं यहाँ ले आओगे? बैठो इधर, अभी इसी वक्त उन्हें मेरे सामने कॉल करो। तो मुरीद एक बात याद रखना, अगर ये सब कुछ झूठ निकला रहा है तुम झूठे निकले, तो मैंने तुम्हें अभी और इसी वक्त खत्म कर दोगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने मुझे मेरे बाबा के खिलाफ किया, बल्कि इसलिए भी कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुरीद बैठो इधर, अभी और इसी वक्त कॉल मिलाओ उन्हें। सलाम चाचा। चाचा कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक बेटा। बेटा उम्र के आखिरी हिस्से में जिस दिन अस्पताल का चक्कर ना लगे वो दिन बहुत खूबसूरत होता है। आज का दिन बहुत खूबसूरत है। बेटी ठीक है? सब अल्लाह का शुक्र है। आपका बहुत शुक्रिया, हर महीने पैसे मिल जाते हैं। अल्लाह आपको बहुत सुकून दे, खुशियाँ दे। आपको भी चाचा। बहुत हौसला है बेटा। किस बात का हौसला चाचा? जो अब तक उसके साथ रह रहे हो वो इंसान नहीं, भेड़िया है। कौन चाचा? अमीन कुरैशी। आज भी उस शख्स के साथ अपने बाप की नौकर खिलाड़ी निभा रहे हो तुम, जो तुम्हारी माँ की मौत का सबब बना। तुम्हारी जगह मैं होता ना तो बर्बाद कर देता उसे। आज भी तुम्हारी माँ की वो चीज मुझे सोने नहीं देती। मैं आज भी हाजिर हूँ मुरीद। अमीन कुरैशी के खिलाफ कोई भी गवाही देनी हो हाजिर हूँ। चाचा अपना ख्याल रखिएगा, होता है कभी कभी ऐसा, मजबूरन किसी जगह रहना पड़ता है। मैं फोन करूंगा कुछ देर तक। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
कैसी है अस्मा? जी अच्छी हूँ। खुदा का शुक्र है। तुम कह रहे थे कि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है, रहना नहीं चाहती तुम्हारे साथ, क्या भी ऐसा ही है या उसे एहसास हो गया? नहीं ऐसा नहीं है, अब मुझे लगता है कि वो मुझ पर भरोसा करने लगी है। तो भैया खासा बेहतर है उनका? बेहतर नहीं अम्मी, ये तो बहुत खुश है। बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि मुरीद भी बहुत खुश है उनके साथ। क्यों मुरीद, ठीक कह रही हूँ ना मैं? क्यों ना खुश हो, ये भी है उसकी, दस सदा खुश रखें दोनों। अम्मी मुझे बाहर जाना है, मुरीद ले जाएगा मुझे? नौकर की क्या हैसियत कि वो मालिक के सामने इनकार करे बेगम साहब? मैं हाजिर। तुम सिर्फ नौकर नहीं रहना, इस घर के दामाद भी तो हो। तुम गाड़ी निकालो, मैं आती हूँ। एमल ठीक कह रही है, अब तुम इस घर के दामाद हो मुरीद, लेकिन मुझे अफसोस है कि हम तुम्हें वो मुकाम नहीं दे पा रहे। नहीं बेगम साहब, आपको अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुरीद को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं गाड़ी निकालता हूँ, वो तैयार होकर आती होंगी। चलता आपकी आंखों में मुझे शक दिखाई दे रहा है मेरे लिए बेगम साहिबा। मैं शक से काफी आगे निकल चुकी हूँ। शक से आगे नफरत होती है, पर नफरत मोहब्बत से ज्यादा मुश्किल होती है। आप एक और मुश्किल काम करने जा रही हैं, क्योंकि मोहब्बत तो आंखें बंद करके भी की जा सकती है, लेकिन नफरत के लिए हमेशा आंखें खुली रखनी पड़ती है। आंखें खुल रही है मेरी, मोहब्बत में तो शिकस्त हुई है मुझे, नफरत में नहीं होने दूंगी। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो अमीन? आप हुक्म करें पापा। मुझे तुमसे मिलकर एक जरूरी बात करनी।
कदम आगे मत बढ़ाना, कदम आगे मत बढ़ाना वरना जान से जाओगे। चाहता तो ये गोली तुम्हारे सीने में भी व्यवस्थित कर सकता था मुरीद, लेकिन उससे क्या होता, तुम मर जाते, तुम्हारा दूसरा हिसाब किताब शुरू हो जाता। अब सारी जिंदगी ये टांगे व्हीलचेयर पर लटकती रहेंगी, तो किसी की इज्जत पर हाथ डालने की इजाजत नहीं देगी तुम्हें।